अरे वार्तालाप बातचीत करते हो, वो मुरली नहीं है क्या? आधा घंटा उधर बढ़ा लो। बाबा कहते हैं ना, जो जिस पर जीत पाता है उस पर सवार होता है, जो जिस पर जीत पाता है उस पर सवार होता है, उसकी सवारी होती है। बच्चे पिछले जन्मों में माँ बाप के ऊपर जीत पहन करके आए हैं पुरुषार्थ में। इसलिए वो बच्चे अगले जन्म में माँ बाप की सवारी करते हैं, उनका वजन उनको बहन करना पड़ता है, टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है, पालना देनी पड़ती है, सारी जिंदगी की कमाई बच्चों को सौंपनी पड़ती है। तो सवारी करना हुआ ना। मोर को पवित्र कहेंगे ना, तो कार्तिकेय की सवारी मोर पर दिखाते हैं। कार्तिकेय की सवारी मोर पर दिखाते हैं। कार्तिकेय की सवारी, हाँ, कार्तिकेय किसका बच्चा है? कार्तिकेय बच्चा है, गॉड का बच्चा है या देवता का बच्चा है? देवता का बच्चा है। और जिस शंकर का बच्चा है, वो शंकर किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। तो शिव बाबा जिसका बच्चा है शंकर, वो बाप समान बनता है या नहीं बनता है? तो बाप एवर प्योर है तो बच्चा भी एवर प्योर है। एवर प्योर की निशानी मोर की पूंछ दिखाई गई है। उस पूंछ में भी देह अभिमान नहीं है, उस पूंछ से देह अभिमानी की पैदाइश नहीं होती है। तो कृष्ण को मयूर पंख दिखाते हैं। वास्तव में वो मयूर पंख धारण करना बुद्धि में पवित्रता को धारण करने की बात है या मोर का पंख धारण करने की बात है? वो बुद्धि में पवित्रता की बात की गहराई को धारण करना ये कृष्ण की बात है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की बात है या शंकर की बात है? ब्रह्मा की बात है। गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, भागवत में जो कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, वो कृष्ण के चरित्र हैं या शिव शंकर भोलेनाथ के चरित्र हैं? तो जिसके चरित्र हैं वो है मयूर जैसा पुरुषार्थ करने वाला। और जिसने मयूर जैसा पुरुषार्थ किया है उस पर कार्तिकेय सवारी करता है। कार्तिकेय बच्चा है या बाप है? तो बच्चे ने पूर्व जन्म में बाप के पुरुषार्थ के ऊपर
यज्ञ के आदि में जीत पाई थी या नहीं पाई थी? तो कौन हुआ बच्चा? जो सभी धर्मों से प्रभावित हो जाता है। इसलिए छह मुख दिखाए हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि कार्तिकेय किस पर सवारी करता है? मोर पर सवारी करता है। वो मोर उसका माई बाप है या बच्चा है? माई बाप है। और शीतला देवी गधे पर बैठी है और उसके हाथ में झाड़ू है। प्रकृति की निशानी दिखाई गई है। जो प्रकृति है वो ही सृष्टि की आखिरी सफाई करने वाली है। तो जो सफाई करने वाले होते हैं उनके हाथ में झाड़ू दिखाते हैं। जिसके ऊपर सवारी करती है वो गधा बुद्धि है या शेर बुद्धि है? गधा बुद्धि है। और बाबा है पवित्रता बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ पवित्रता बहुत अच्छी है और पवित्र भी रहता हूँ, पवित्र रहता हूँ तो नीचे गिर जाता हूँ। पवित्र कहाँ रहता हूँ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है, वो आदत जल्दी जल्दी छूटती नहीं है। अब प्रैक्टिस करनी पड़े ऊपर चढ़ने की। याद तो करता हूँ बाबा। जिसकी प्रैक्टिस पड़ गई हो बार बार नीचे गिरने की, तो 63 जन्म में लगातार नीचे गिरते रहे, कभी बुद्धि में बात नहीं आई कि हम नीचे गिर रहे हैं, तो ये अभ्यास एकदम बंद हो जाएगा क्या? या पुरुषार्थ करना पड़े बार बार, बार बार ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़े। थकना नहीं है, तुम्हारे सुखे दिन आए क्या? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाप आथत देते हैं, घबराहट में ना आओ, घबराहट में आकर के पुरुषार्थ को बंद न कर दो। पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। अरे बाप आए हैं, टाइम भी फिक्स कर दिया, ज्यादा में ज्यादा संगम युग का कितना टाइम है? तो पूरा हो गया क्या? फिर घबराने की क्या बात है? जब टाइम पूरा हो जाए और पुरुषार्थ हमारा पूरा ना हो तो घबराने की बात है। और बाबा इब्राहिम बौद्ध प्रायश्चित धर्म पिताओं को ज्ञान पूर्वक देंगे या इस्लाम धर्म की आत्मा भी जो है वो देंगे? इब्राहिम बौद्ध प्रायश्चित धर्म पिताओं को ज्ञान पूर्वक देंगे ज्ञान या इस्लाम धर्म की आत्मा भी ज्ञान देंगे? कौन देंगे ज्ञान? धर्म पिताओं को ज्ञान कौन देंगे? पूर्वज देंगे। जो पूर्वज आत्माएं हैं
पूर्व माने पहले, और जन्म माने जिनका जन्म पहले हुआ। तो जो पास विदानर होने वाली आत्माएं हैं, पहले पहले इम्प्योरिटी को जीतने वाली आत्माएं हैं, अपवित्रता के ऊपर जीत पाने वाली आत्माएं हैं, उनकी पहले प्रत्यक्षता होती है, वो पहले संपन्न बन जाती हैं, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जिनका पहले होता है, वो नंबरवार और धर्मों की पूर्वज बन जाती है। पूर्वजों का तो बहुत मान होता है, वो पूर्वज आत्मा ही बाद में जन्म लेने वाले बच्चों को ज्ञान देती है, चाहे वो बड़े से बड़े इब्राहिम धर्म पिताएं जैसे ही क्यों न हो, वो छोटे हो जाते हैं और पूर्वज उनसे भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए कुरान में भी और बाइबल में भी 8 फरिश्तों का गायन है, लिखा है कि कयामत के समय में खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाते हैं, जो पूर्वज का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। उन पूर्वजों को धर्म पिताएं भी मानते हैं, फरिश्तों के रूप में मानते हैं। वो फरिश्ते ही फिर देव पद पाते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो पहले जन्म लेते हैं, बच्चे बाद में जन्म लेते हैं, तो बाद में जन्म लेने वाले पहले जन्म लेने वालों से ज्ञान लेंगे या माँ बाप बच्चों से ज्ञान लेंगे? हैं? माँ बाप बच्चों को ज्ञान देंगे, क्योंकि जो पूर्वज है, पूर्व में जन्म लेने वाले हैं, वो बड़े हैं और बड़े होते ही हैं ज्ञान से। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा वो बड़ा ठहरा। और शिव है ज्ञान सूर्य, शिव है ज्ञान सूर्य। हाँ जी, गीता में ऐसा क्यों बोला, मैं आता हूँ तो पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ। मैं आकर के पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, वो तो गीता में लिखा है, वो संस्कृत की गीता में लिखा है। जो लिखने वाला है वो मनुष्य है या भगवान है? है? मनुष्य है। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि वास्तव में ज्ञान सूर्य कौन है और कैसे है, ज्ञान सागर कौन है और कैसे है। सागर धरणी के साथ रहता है या धरणी से दूर होकर रहता है? जब पति पत्नी है तो साथ साथ होंगे या दूर होंगे? और सूर्य, सूर्य तो दूर रहता है, तो ज्ञान सूर्य है कौन? शिव बाप। वो सदैव ही रोशनी के अंदर है, अंधेरे में कभी आता ही नहीं। और सागर और पृथ्वी तो अंधेरे में भी आते हैं तो रोशनी में भी आते हैं, सितारे भी अंधेरे में भी आते हैं तो रोशनी में भी आते हैं। सूर्य तो सदा शिव है, सदैव रोशनी में है, उसमें तो क्षण भात मात्र के लिए भी कभी अंधेरा नहीं आ सकता।
बाबा कहते हैं कि तुम शक्तिधारण करो, पवित्र बनो। तो ये पुराने पुराने दुनिया का नाश हो जाएगा। तो वो बात हेलीकॉप्टर भी भेजेंगे, हेलीकॉप्टर भेजेंगे और ये बोला कि हेलीकॉप्टर के लिए वहाँ जरूर नहीं है। जब बड़े 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 पक्षी निकलेंगे तो तुमको उड़ा दे रहे। हेलीकॉप्टर की जो बात बताई है वो इस दुनिया की बात बताई है, संगम युग में जो बच्चे इधर उधर सारी दुनिया में फैले हुए हैं, भटके हुए होंगे लेकिन पुरुषार्थी बच्चे होंगे, उनको बचाने के लिए बाबा ने बताया आगे चल के एक हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे। विनाश की विभीषिका में उन बच्चों को जिनको बचाना होगा बचा लेंगे। बाकी सतयुग में कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, वहां तो पक्षी ही ऐसे होंगे जो जहाज का काम करेंगे। इसलिए चित्रकारों ने शास्त्रों में जो चित्र बनाए हैं विमानों के, वो कैसे चित्र बनाए हैं? पक्षियों जैसे चित्र बनाए हैं। बाबा वराह धर्म की आत्मा इस्लाम धर्म की है, तो वराह ने पृथ्वी को पाताल से निकालते हुए दिखाया, इसकी शूटिंग आप कैसे हुई माना संगम युग? जो गड्ढे में गिरता है वो गड्ढे की पीड़ा को जानता है, जो ज्यादा गड्ढे में गिराई नहीं है वो जानेगा भी नहीं। तो कौन सा धर्म है जो ज्यादा गड्ढे में गिरता है? इस्लाम धर्म में भी कोई 100% ऐसी आत्मा होगी जो बहुत अनुभवी होनी चाहिए इस्लाम धर्म की, वही हिरण्याक्ष के रूप में दिखाई गई है। जो पृथ्वी को पाताल में ले गया, फिर शुक्र अवतार दिखाया गया। काय का अवतार? वराह अवतार। वराह कहो शुक्र कहो, सुअर का अवतार जिसने गड्ढे में ले जाई हुई पृथ्वी को बचाया। वास्तव में भगवान एक जन्म लेते हैं या कुकर सुकर अवतार लेते हैं? जन्म तो एक ही लेते हैं, परंतु जो नीचे नीचे किस्म की आत्माएं हैं उन्होंने भी अपने को भगवान साबित कर दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी को उबारने वाला शुक्र होगा या भगवान होगा? भगवान होगा। और राम रावण पर जीत पाता है और सीता को ले आता है तो सीता अग्नि परीक्षा देती है, सीता अग्नि परीक्षा देती है। और बाद में फिर दूसरी बार अयोध्या में आने के बाद में और मन भी छोड़ने के बाद में धरती में चली जाती है। जो जहाँ से पैदा हुआ है वहीं समा जाएगा। आत्माएं परमधाम से आई हैं, तो कहाँ समा जावेंगी? परमधाम में ही समा जावेंगी। सीता तो सेम धरणी है, धरणी का मानवीय रूप है, तो वो मानवी जहां से निकली है वहीं समा जाती है।
दुनिया वाले जो दूध जल्द पत्ती देते उसका कारण क्या है? दुनिया वाले दूध देते उसका कारण क्या है? माताओं को दुनिया वाले जो दुख देने वाले हैं, उन दुख देने वालों को जिन्होंने धरणी का रूप धारण किया है इस जन्म में, उनको दुख नहीं दिया होगा। एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष का रूप मिलता है कि नहीं? स्त्री पुरुष का चोला कोई पक्का थोड़ा ही है कि आत्मा स्त्री का ही जन्म लेती रहेगी। कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म लेती है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होता रहता है। और बाबा जब अश्वमेध होता है, एक व्यक्ति का ध्यान पति पति जन्म जो अभी है वो जन्म जन्मांतर उनका जोड़ा बना हुआ है? नहीं, किसी का कोई आत्माएं ऐसी हैं भाग्यशाली जिनका 84 जन्मों का भी जोड़ा बना हुआ है, उसमें भी एक आत्मा ऐसी है जो एक के साथ ही जोड़ा बना के रखती है 84 जन्म तक। जैसे शंकर और पार्वती, पार्वती की ये प्रतिज्ञा है, जन्म जन्म लगे अगर हमारी वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। तो क्या ऐसा सभी होते हैं? ये माताएं जो व्रत को आगन लपेटती है और कहती है कि 7 जन्म तक हमारा यही साथ रहेगा। कहना और करने में अंतर भी होता है या नहीं होता है? बहुत होता है। दूसरों को कह के सुना दिया, समझते हैं लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी माता है, लेकिन कर्मों में भी तो देखा जाता है, कर्म भी तो ऐसे होने चाहिए। अगर कर्म भी ऐसे हैं, कथनी भी वही है, करनी भी वही है, तो प्राप्ति भी वही है। हाँ, वो भी कर्मों के हिसाब से। जो ज्ञान को ज्यादा धारण करता है तो उसका नाम बाला हो जाता है, भले छोटा है। कहते हैं ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, मानसी पुत्र पहलौटी के, उनमें सनत कुमार सबसे छोटे थे, परंतु ज्ञान में और याद में बड़े तीखे थे। इसलिए वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बीज बन गए। और जो 3 थे वो 3 धर्मों के बीज बन गए, नंबर बार हो गए। इसलिए बांध ले कि हमारा पति कुछ नहीं देख सकता है तो मैं क्यों देखूं दुनिया को, मैं भी अपने पति को फॉलो करूंगी। और रामायण में हनुमान का सीता को ढूंढने जाते हैं लंका में, तो रावण उसकी पूछ में आग लगा देता है, पूछ बड़ी बड़ी होती जाती है, पूछ लंबी होती जाती है, सारे कपड़े खत्म हो जाते हैं, तो इसकी शूटिंग कब हुई? अभी नहीं हो रही है। अभी हनुमान की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा किस में प्रवेश होके पार्ट बजा रहा है? राम वाली आत्मा में प्रवेश होके पार्ट बजा रहा है। राम वाली आत्मा जो है ये सारी दुनिया लंका है या नहीं है? लंका है। इस सारी दुनिया में
लंका में जो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को अपने देह अभिमान की पूंछ में लपेट रही है। वो 16,000 वस्त्र अच्छे अच्छे सारे लपेट लिए जाते हैं और उनमें काम विकार की आग लगा दी जाती है। लंका सारी जल जाती है और पूंछ पूंछ फिर भी बच जाती है। जिनको जलना है वो जलते हैं, वस्त्र जलते हैं या आत्मा जलती है? वस्त्र जलते हैं, आत्मा है, सेफ हो जाती है। कि आग लग रही है, आग लग रही है तो रावण को आग लगती है, स्थूल आग की बात है या दिल जलता है? दिल जलता है। हाँ होता है तो राम घोड़ा छोड़ता है, तो ये बात 2011 की बात की है। जब राम रावण के बीच परेशान है, घोड़ा का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? है ब्रह्मा की सोल। वो मन का पार्ट बजाने वाली आत्मा घोड़ा है। ये मन रूपी घोड़े को संसार में छोड़ दिया गया। ये मन रूपी घोड़ा चारों ओर संसार में घूम रहा है। अब ये पान का बीड़ा कौन उठाता है, कौन उस घोड़े को पकड़ता है, वो देखना है। कोई पकड़ पाता है क्या? राम के घोड़े को राम के अलावा और कोई कंट्रोल करेगा क्या? नहीं। कोई नहीं कंट्रोल कर पाता। और बाबा 33 करोड़ आत्माएं ज्ञान नहीं लेते, सिर्फ 10 करोड़ लेते हैं। बाकी जो 10 करोड़ है लेते हैं। ज्ञान लेना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ प्रजा है या राजाएं हैं? राजाएं ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, धारण कराते हैं, या प्रजा धारण करती है? तो ये बात तो गलत है कि 10 करोड़ आत्माएं ज्ञान धारण करती हैं या ज्ञान लेती हैं। वो सिर्फ सुनती हैं, एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। उनको नहीं कहेंगे कि वो धारण करती है। और बाबा 2011 की मुंडी में बोला है, अवगतवाणी में बोला है, बाप रोज परमधाम से आता है। बाप तो एक बार आता है तो पूरे संगम में जाता ही नहीं होता। 2 फरवरी 2011 की अगस्तवाणी में ये रिवाइज कोर्स की मुरली है या ओरिजिनल मुरली है? अब व्यक्तवाणी का पॉइंट नहीं है, बाप रोज आते हैं। हाँ बाबा 2002 की अवतरणी। अब व्यक्तवाणी ब्रह्मा की सोल चलाती है या शिव बाप चलाते हैं, वो कैसे कहेंगे? पक्का पक्का नोट करो फिर पूछो। बाबा ने जो अव्यक्तवाणी पढ़ी है उसमें बाबा ने अव्यक्तवाणी पढ़ी है? अरे अव्यक्त में तो ये वाक्य हो ही नहीं सकता, मुरली में हो सकता है। हाँ बाबा, जो कन्या शादी कर ले बाहर मना यहाँ आके फिर बाहर जाती है, शादी कर लेती है, तो क्या वो महाकाली की पूजा करेगी?
और जो शादी नहीं करती है बिना शादी के ही जाती है, गुप चुप होती है, उसे क्या कहा जाएगा? वो भी माँ काली की पूजा। वो काली से भी काली हो गई कि थोड़ी गोरी रह गई? काली हो गई। वो तो काली से भी काली हो गई। और माँ काली पर जगदम्बा बनती है ना बाबा? फिर एक वार्तालाप में बोला है गंगटोक की इस्लाम धर्म से जो आएगी वो ज्यादा काली होगी। हाँ, वो उनकी लेफ्टिस्ट भुजाएं बनेंगी। माँ काली की भी राइटियस्ट भुजाएं और लेफ्टिस्ट भुजाएं होती कि नहीं? तो लेफ्टिस्ट ज्यादा काले होंगे या राइटियस्ट ज्यादा काले होंगे? वो और ज्यादा काले होंगे। उनमें भी कोई ऊपर की भुजाएं होंगी और कोई नीचे की छोटी भुजाएं होंगी। नंबर वार हैं। और बाबा आठ धर्म के आठ प्रजापिता है और धर्म तो दस बताते हैं। वास्तव में धर्म तो चार ही है, बाकी तो उनके छेड़े हैं। उनको धर्म कहेंगे या मठपंथ कहेंगे? मठपंथ हैं। तो चार जो मुख्य धर्म है उनके सहयोगी चार मुख्य धर्म और हैं। असिस्टेंट भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो चार वो और चार उनके असिस्टेंट, ऐसे आठ हो गए। और आठ ही उनके पूर्वज गाए जाते हैं। और अनंतपुरम में सात महीने सुनना सरप्राइज था। और जो स्मृति मूर्ति सभी तो सबसे श्रीमंत हो गया पद्मनाभम मंदिर है। पद्मनाभम मंदिर में सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा श्रीमंत हो गया। तो थोड़ा ही श्रीमंत हो गया। जो धन छुपा के रखे वो बड़ा श्रीमंत हो गया। जिसका छुपा हुआ धन पकड़ा गया, किसी के काम नहीं आया, पब्लिक से ले लेके तो रख लिया। राजा जो पब्लिक से धन लेके रखता है वो प्रजा की सुरक्षा के लिए रखता है या अपने बाल बच्चों की सेहत के लिए रखता है? वो प्रजा का धन है, उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। ये तो उल्टा काम हो गया। अंग्रेज लोग लेकर जाते। हाँ जी, अंग्रेज लोग वो धन अंग्रेज थे। अगर वो ले गए होते तो छुपा हुआ कहाँ से मिलता? नहीं, वो लेने गए ये उसको इकट्ठा करके रखने की दरकार ही नहीं। आते जाए चलाते जाओ। बालाजी में तो कागज की नोट है तो श्रीमंत है, पर बात तो बोल रहे ना। जो कागज के नोट आते हैं वो पब्लिक से आजकल इकट्ठे किए जाते हैं। वो पब्लिक के इकट्ठे किए हुए नोट नहीं है। उस समय सोने की मोहरें चलती थी, उस समय नोट नहीं छापे जाते थे। उस समय हीरे जवाहरातों का खजाना इकट्ठा किया जाता था। वो उस समय की बात है। अब वो चाहे पद्मनाभ हो, चाहे तिरुपति हो, या कोई भी हो, जिनके भी मंदिर बने हुए हैं वो द्वापर कलयुग की यादगार हैं या संगम युग की यादगार हैं? कहाँ की यादगार हैं? संगम की यादगार हैं। और है?
वो पीके वाले चार पार्टी में तुमने वो अगस्त मानी है वो अगस्त मानी में दस चार ग्यारह की क्या लिखा है तो उसने वो लिखा है मैंने वो क्या बोल रहे हैं भाई लिखा है उसमें एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है तो उसमें एडवांस पार्टी वाले आप लोगों के सारे फील्ड तैयार करने वाले हैं तो वो बोले मैंने बोला निकलो तुम्हारे पास वो पानी है क्या कल बोला तो वो बोले बोले ये पार्टी पार्टी बहुत चालू है बोले ये संघर्ष की बात है ना बोले संघर्ष की बात आके देखो उसको समझो और बड़ा चिंतन करो नष्ट वहाँ जब तक बुझते नहीं तब तक क्या पीछे वाले को ज्ञान सुनाने के लिए गए हाँ, हाँ, बातें बता रहे हैं हाँ, पीछे वाले की बात बता रहे हैं पीछे वाले की बात हाँ जी हाँ जी तो हर पीछे उन्हें अपनी बात तो कह लेने दो हाजी तो पार्टी पार्टी तो पार्टी है कड़ी पार्टी है पड़ी हुई है वालों से उन्होंने ज्ञान की अच्छा होगी तो उनके सवाल जवाब वो बता रहे आप हमने पार्टी निकाली है एडवांस पार्टी क्या है उसके पार्टी क्या है अरे वो तो अपने तरीके से बोलेंगे उन्हें नहीं मालूम है तो कोई भी मोड़ दे करके बोलेंगे उनका कहना है कि जो शरीर छोड़ते जाते हैं वो एडवांस पार्टी है वास्तव में तो बात यह है कि जो भी शरीर छोड़ रहे हैं वो शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में जो तीखे बच्चे हैं जिनके आत्मा की बेसिकली कट उतर गई है और जिन्होंने बाप के वर्तमान कालीन पार्ट को भी पहचान लिया है उन बच्चों में वो आत्माएं प्रवेश कर रही है प्रवेश करके पार्ट बजा रही है तो दोनों मिलकर के ऐड हो गए शरीर छोड़ने वाले भी ऐड हो गए और जिनका शरीर चल रहा है लेकिन ज्ञान योग में तीखे हैं उनमें ऐड हो गए इसलिए वो एडवांस पार्टी है वो एडवांस पार्टी के तीन ग्रुप हैं एक ग्रुप है प्लानिंग पार्टी जो प्लानिंग करते हैं कि नई दुनिया कैसे आएगी और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा और नरक की दुनिया के बीच जो स्वर्ग की दुनिया स्थापन होगी उसकी पालना की प्लानिंग कैसे होगी वो है प्लानिंग पार्टी दूसरी पार्टी वो है जो इंस्पायरिंग पार्टी इंस्पिरेशन पार्टी बताई जाती है इंस्पिरेट करती है जैसे ब्रह्मा की सोल ओम राधे जगदम्बा की सोल जिन आत्माओं में प्रवेश कर रही है उनको उमंग उत्साह देती है उनको पावर देती है इंस्पिरेट करती है इसलिए वो इंस्पिरेटिंग पार्टी है जिनको ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, वो ऊपर चले गए वो ऊपर नहीं चले गए नीचे रह करके ही वो ऊंचा काम कर रहे हैं इंस्पिरेटिंग पार्टी और तीसरी वो पार्टी है जो अभी मैदान में नहीं आई है मैदान में आने वाली है जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया है गुलजार दादी के मुख से कि विजयमाला का आवाहन करो
वो विजयमाला के मणके ही प्रैक्टिकल पार्टी के मणके हैं। प्रैक्टिकल प्योरिटी के बिना नहीं हो पाता है। उन आत्माओं में प्योरिटी है जन्म जन्मांतर की, वो पार्वती को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं। ऐसी प्रैक्टिकल आत्माएं प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना करके दिखावेंगी। प्लानिंग करने वाले दूसरे हैं, इंजीनियर अलग होते हैं और मकान बनाने वाले मजदूर अलग होते हैं, मिस्त्री अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकल में कार्य करने वाली आत्माएं हैं। इंजीनियर और वो मिस्त्री मजदूर पार्टी दोनों कोऑपरेटिव होकर के जब कार्य करते हैं तो कार्य संपन्न हो जाता है, मकान बन करके धड़ाधड़ शुरू हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो अभी वो नई दुनिया का संगठन बना नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष होने की तो बात ही नहीं है। हाँ, फाउंडेशन पड़ चुका है और वो फाउंडेशन अंडरग्राउंड पड़ता है। अंडरग्राउंड की बात सबको पता नहीं चलती है। जब विजयमाला के वो मणके निकलेंगे तो अंडरग्राउंड की जो पार्टी है वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी और नया मकान भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। वो अंग्रेज लोग भी जानेंगे पैराडाइज क्या होता है, वो मुसलमान भी जानेंगे जन्नत क्या होती है। अभी तो वो समझते हैं कि जन्नत पैराडाइज कोई ऊपर की चीज है, जैसे हिंदू लोग समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। ऊपर में नहीं होता है, ये तो ऊंची स्टेज की बात है। और बाबा शिवलिंग सभी ठिकानों पर पत्थर क्यों थे? शिवलिंग या पूजा सभी ठिकानों पर पत्थर क्यों थे? नहीं, स्वर्णलिंग भी होता था, रजत लिंग भी होता था, ताम्र लिंग भी होते थे और अभी कलयुग में पत्थर के लिंग बनाए जाते हैं। क्योंकि जो लिंग के रूप में आत्मा पूजी जाती है वो पत्थर बुद्धि बन चुकी है। कलयुग अंत में सतयुग में सोने जैसी थी, त्रेता में चांदी जैसी थी और द्वापर में तांबे जैसी रजो प्रधान थी। अभी कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बन गई है। इसलिए वो पत्थर बुद्धि में जब पारस बुद्धि परमात्मा प्रवेश करते हैं तब उसको भी पारस बनाए देते हैं। हाँ, अमरनाथ में वो बाबा ने बताया है कि बाबा भी अमरनाथ में गए थे। सवेरे 4 बजे जाके देखा तो एक ब्राह्मण बच्चा जाकर के बर्फ इकट्ठी करके लिंग बना देता था। वो सारे दिन उसकी पूजा होती रहती थी। ये भी संगम युग की शूटिंग की यादगार है। कोई ब्राह्मण बच्चा है जो बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाता है, जिसके लिए बोला है कि बाप की जब प्रत्यक्षता होगी तो जो देखेगा जो सुनेगा उसके मुंह से निकलेगा बाप आ गए, मेरा बाबा आ गया, सबको दर्शन होगा। ये अमरनाथ की ऊंची स्टेज का दर्शन है जो अव्यक्तवाणी में भी बोला है
कि तुम्हारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके अव्यक्त चेहरों को ध्यान से देखो, चेहरे से ही निराकारी स्टेज झलकती है, तो बाप भी संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो लिंग है अर्थात इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है, सुनते हुए न सुनना, संसार में चारों ओर ग्लानी उड़ रही है, ग्लानी की बातों पर कान न धरना, देखते हुए भी न देखना, ऐसी इंद्रियों की स्टेज बनाना जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी नहीं है, उसको कहते हैं लिंग स्टेज। वो लिंग भगवान नहीं है, उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो भगवान है। बिंदु है शिव बाप, मेरी आत्मा का ही नाम बिंदु है, वो कभी बदलता नहीं है कि बबू कभी बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए, वो तो सदैव ही बिंदु है। वो बिंदु भगवान बाप है, गॉड फादर है। वो प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी निराकारी स्टेज वाला बना देता है, वो भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। तो लिंग कहा जाता है, बाकी वो लिंग वो स्टेज है जो मुरली में बताई है कि तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। शीतल इंद्रियां शीतलता प्रदान करेंगी या मार मारेंगी? शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इसलिए बर्फ का लिंग कहा जाता है। बाकी लिंग कोई बर्फ का होता नहीं है। लिंग में गर्मी आती है तो बर्फ का होता है या गर्माहट होती है? गर्माहट होती है। लिंग का कैसे कहेंगे कि वो बर्फ का हो सकता है? ये तो भक्ति मार्ग में यादगार दिखाई गई है कि याद की ऐसी स्टेज बनती है जो कामेंद्रिय है वो भी बर्फ के समान ठंडी हो जाती है, मार मारने वाली नहीं रहती है। कोई कोई पूछते हैं, अरे भगवान है तो भगवान के साथ इतनी स्त्रियां क्यों रहती हैं? तो भगवान जवाब देते हैं, तुम भी सींग मारना अपना बंद कर दो तो तुम्हारे साथ भी रहने लगेंगी, तो मुंह नीचे सर नीचे हो जाता है। जो 84 जन्म लेता है वही सतुर के अंदर जन्म लेता है, और जो कम जन्म लेता है तो वो सीता लेते हैं। 84 जन्म लेने वाला सत्युग में जन्म लेगा या नहीं लेगा? 83 जन्म लेने वाला, लेकिन त्रेता में तो नहीं होगा। उनका कहना ये है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो ही सत्युगी आत्माएं हैं, बाकी कम जन्म लेने वाले त्रेता युगी हैं। हर बात के कहने का ढंग होता है और समझने समझाने का भी ढंग होता है। 84 जन्म लिए
माने 100% सतयुगी है। अगर एक जन्म भी कम हो गया तो 100% सतयुगी नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ फेलियर हुआ या नहीं हुआ, फेलियर हुआ। और जो फेलियर होता है वो चंद्रवंशी होता है या सूर्यवंशी होता है, चंद्रवंशी कहा जाता है। इसलिए बोला कि 84 जन्म पूरे लेने वाले ही सूर्यवंशी हैं, सतयुगी हैं। सत्य सत्य माने सत्य, और झूठ माने झूठ। कका चोर तो लख का चोर। अगर 100% सच्चा है तब ही सच्चा है। सत्य में असत्य अगर थोड़ा भी डाल दिया, दूध का भरा हुआ घड़ा है अगर उसमें एक बूंद भी सर्प का विष मिला दिया तो सारा का सारा क्या हो गया, सारा ही विष हो जाता। इसलिए कहा कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो ही सच्चे सतयुगी हैं, सूर्यवंशी हैं। बाकी जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं वो सात नारायण और उनकी सारी प्रजा पक्के सतयुगी न होने के कारण, पक्के सूर्यवंशी न होने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेहरा प्रत्यक्ष हो जाता है। ये वे फेलियर हैं या पक्के पास होने वाले हैं? नारायण तो द्वापर के बाद कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा वो भी तो सतयुग का पहला नारायण है, वो भी तो द्वापर के बाद कन्वर्ट होता है? नहीं, वो प्रभावित होते हैं सिर्फ, कन्वर्ट नहीं होते। वो तो खुद के शरीर से बाबा को नहीं पहचान पाते ना, तो क्या हुआ? तो फिर वो द्वापर से तो वो उनको पहचान यज्ञ के आदि में माता ने दी थी या नहीं दी थी? पहचान नहीं पाया ना। परंतु जिन्होंने ज्ञान दिया था वो फेल हुए या पास हुए? तो जिनका बाप ही फेल हो गया वो बच्चा कैसे पास की लिस्ट में हो जाएगा? तो पास की लिस्ट में तो नहीं आएगा। हाँ जी, वो भी तो कन्वर्ट होता है ना? कन्वर्ट नहीं होते हैं, कन्वर्ट नहीं है। वो सिर्फ प्रभावित होते हैं, माँ बच्चों से प्रभावित होती है। ऐसे नहीं कि माँ बच्चे के धर्म में चली जाती है, नहीं। और बाबा हाँ, तो पाप कर्मों का थोड़ा चिट्ठा सबके सामने बनेगा। हाँ, तब हमारी अवस्था देववाणी की होगी या आत्माभिमानी? ये अपने पर है, किसी की देववाणी की होगी, किसी की आत्माभिमानी की होगी। जिनकी आत्माभिमानी की स्टेज होगी उनके पाप जरूर भस्म हो चुके होंगे। वो तो आदि हुए ना भी? है वो तो आदि हुए। आदि क्या? आठ ही समझ लो। बाकी तो फिर सजा खाओ। सबके सामने उनका चिट्ठा तो क्या हुआ, छुपाया काय के लिए? जो अवस्था अपने नीचे ऊपर होती है कोई संकल्प से कोई करने से नॉर्मल, तो वो भी बाबा को अपन बताना चाहिए, ये तो बात ठीक है। लेकिन अपन जब ज्ञान सुनाते हैं जो कमजोर आत्मा होती है धारणा से या तो बोलो अपने धर्मों से, तो तिलमिला उठती है, उसके बारे में क्या? कौन तिलमिला उठता है? जो मना द्वापर से बोलो तो दूसरे धर्म की आत्मा होती है धारणा में कमजोर होती है, हाँ? उनको जब हम ज्ञान सुनाया जाए, हाँ? तो धर्मों का ज्ञान सुनाया अपन कर्तृपक्ष में समझाया जाते हैं, हाँ? उस समय वो तिलमिला उठती है, नाराज हो जाती है, हाँ? उसका मतलब क्या? पहले घर वालों को दान देना है या बाहर वालों को दान देना है? तो घर वालों को दान देना है। जब हमें घर वालों को दान देना है
तो हमें पहले परख शक्ति होनी चाहिए कि कौन हमारे कुल का है, हमारे कुल की पहचान बताई। थोड़ा भी ज्ञान सुनावेंगे फौरन चटक जावेगा, वो हमारे अपने कुल का है। और जो बहुत घिस घिस करते हैं वो हमारे कुल के नहीं है, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। वो पहले भी कन्वर्ट हुए थे, अभी फिर टाइम आएगा तो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। उनके पीछे हम मेहनत क्यों करें? जो हमारे कुल के हैं उनको उठाने की जरूरत है। वो उठ जावेंगे तो अंत तक सुहायला बने रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे, नहीं तो फिर धोखा दे जावेंगे जब फाइनल पेपर होगा। बाबा एक वार्तालाप में बताया अष्टदेव जो है चार सूर्यवंशी चार चंद्रवंशी, क्या ये सही है? जो कन्या है जो पति के संग के रंग में जाती है, रंग जाती है, तो कौन से कुल की हो जाती है? तो सूर्यवंशी कुल में जब चंद्रवंशी की चार कन्याएं आती हैं तो वो भी सूर्यवंशी हो जाती हैं। इसलिए चार सूर्यवंशी और चार चंद्रवंशी, ये आठ की माला प्रसिद्ध है। और बाबा कृष्ण की कटी उंगली में द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू बांधा, तो छोटी उंगली तो जगदम्बा हुई। जगदम्बा की उंगली ये है या ये है? तो यही छोटी उंगली कटती है ना। चक्र इस उंगली में घुमाया जाता है या इस उंगली में घुमाया जाता है? फिर है किस उंगली में? हाँ तर्जनी है ये, उसमें घुमाया जाता है। जो ताड़ना करने वाली उंगली है उसमें घुमाया जाता है। ये छोटी उंगली है, ये पांच पांडव हैं। पांच पांडवों में सबसे छोटा है सहदेव। सहदेव उसे है कहा जाता है जो देवताओं के साथ रहता है, देवताओं को सहयोग देता है। सिख धर्म ने कौन से धर्म को सहयोग दिया? हमेशा देवता धर्म की आत्माओं को ही सहयोग दिया, इसलिए वो ही सहदेव के कुल के हैं। कोई सहदेव एक नहीं है, पांडव पांच कहे गए हैं, परंतु युधिष्ठिर कोई एक नहीं है जो धर्म युद्ध में स्थिर रहा। और भी नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? ऐसे ही भीम भयंकर कर्म करने वाले कोई एक नहीं है, नंबरवार और भी होंगे या नहीं होंगे? और भी हैं। ऐसे ये पांच पांडव हैं, सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, बौद्धि, सन्यासी और सिख। ये पांच भारतीय धर्म हैं जो पांच पांडवों की यादगार हैं। तो वो द्रौपदी कौन जिसने साड़ी का पल्लू बांधा और वो उंगली कौन? ये उंगली है द्रौपदी जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया, गौओं को बढ़ाने का पहाड़ उठाया। वर्धन माने बढ़ाना, गौ माने गौएं, वर्धन माने बढ़ाना। कितना बढ़ाना? 16,000 गौओं का समुदाय इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, उसकी पालना की। तो उसकी पालना, उसको उठाने का कार्य किसने किया? कौन सी उंगली ने? इस उंगली ने किया।
हाँ जी, सहदेव अर्थात देवताओं का सहयोग देने वाली, और ये तर्जनी उंगली है, तर्जना ताड़ना करना, तर्जन करना है, ऐसा नहीं करना। कौन तर्जन करता है? कौन तर्जन करता है? अर्जुन ही तर्जन करता है। और बाबा देवात्मा अंत तक उतरती है तो उनका पूछा। हाँ, मुरली ने बोला है कि देवात्मा अंत तक उतरती है। देवात्मा और जो इस्लाम आत्मा है वो अंत तक नहीं उतरती है, जो बौद्ध आत्मा है वो अंत तक नहीं उतरती, हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती है। कोई भी धर्म की आत्माएं बीच में आना बंद नहीं करती, जब से आना शुरू होती है तब से लेकर अंत तक उतरती ही रहती है। ये सिर्फ सनातन धर्म की आत्माओं की बात नहीं है, सभी धर्मों की यही बात है।